अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक क्लास 9th and 10th। तो आज हम जो है अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे। सेकेंड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1। ये बहुत इजी है, मुझे उम्मीद है कि आपको जल्द समझ आ जाएगी। क्वेश्चन हम करते जाएंगे और आपको समझ आ दी जाएगी। तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या करना है कि हमने डिस्क्रिमिनेंट को बस फाइंड करना है, छोटा सा काम है। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है 2x² + 3x + 1 - 1 = 0। हमारे पास इक्वेशन गिवन है, हमने इसमें डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाना है और अपना बस आंसर लेकर आ जाना है। हमने जाना कुछ भी नहीं उठाना, ना ये बताना इसका नेचर कौन सा है, कुछ भी नहीं। बस हमने वैल्यू फाइंड करनी है डिस्क्रिमिनेंट की। ये ए है, हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है b² - 4ac। तो ये हमने वैल्यू बस पुट करनी है। बी की वैल्यू क्या है, 3 है हमारे पास है, 3² - 4। ए की वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 है और सी हमारे पास -1 है। 3² - 9 - 4 = 8। 9 + 8 = 17। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। बस हमने ये करना था कि हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पुट करनी थी, फार्मूला पुट करना था, उसमें वैल्यू पुट करनी थी। एक और मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। 2 हमारे पास 6x² - 8x + 3 = 0। इसमें हम देख लें, जो एक्स के साथ होती है वो हमारे पास ए होता है, जो -8 है वो बी है और कॉन्स्टेंट सी। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac = 6 - 8 हमारे पास है b - 4, a हमारे पास क्या है 6 है और c हमारे पास 3 है। तो हमारे पास जो 8² लेते हैं 64, हमारे पास जो है 8² लेते हैं तो हमारे पास 64 आ जाता है। -4, 6 = 24 और 24 जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 72 आ जाता है। अब हम जब 72 में 64 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास -8 आ जाता है। अगर आपको मुश्किल हो रही है, मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करा देती हूँ। 72 = 64। अब ये हमारे पास छोटी वैल्यू ऊपर है तो हम यहाँ से एक ले लेंगे, एक वहाँ चला जाएगा, शिफ्ट होगा 4 में से। अब 12 में से 4 निकालते हैं, हमारे पास 8 आ जाता है और 6 में से 6 निकाल देंगे तो 0। और ये माइनस कर रहे थे, बड़ी वाले के साथ माइनस का साइन था, इसलिए हमने यहाँ माइनस लिख दिया। ये हमारे पास सिंपल हमारा आंसर आ गया। अब देखिए, इसके 4 पार्ट्स थे, मैंने आपको 2 पार्ट्स करवा लिए, 2 पार्ट आप खुद कर सकते हैं क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। बस आपने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्मूला पुट करना है, उसमें जो ए बी सी आपको गिवन होगा बस उसमें पुट करके आपका एडिशन सबट्रैक्शन करनी है और आपका आंसर आ गया। अब हम अपना जो है सेकेंड क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें जो हमने उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जरिए जो हम डिस्क्रिमिनेंट भी फाइंड करेंगे, उसकी नेचर भी फाइंड करेंगे। तो अब हमारे पास है x² - 23x + 120 = 0। अब यहाँ a हमारे पास 1 है, b हमारे पास 23 है -23 और c हमारे पास 120 है। अब हम बस पुट कर लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। अब भी हमारे पास क्या है, 23 है -23 हमने यहाँ लिख लिया -4। a हमारे पास 1 है और c हमारे पास 120 है। तो जब हम 23² लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 529 माइनस। अब हम जब 4 और 120 को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास यहाँ 480 आ जाता है। अब 420 में से जब हम 480 निकालते हैं हमारे पास आंसर आ जाएगा 49 प्लस में, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब ये किस चीज़ का, अगर आप देखें स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर बन रहा है तो हाँ ये हमारे पास बन रहा है, 7 का बन सकता है स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास b² - 4ac 0 से बड़ा भी है एंड परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो ये हमारे पास आ गया रैशनल और इक्वल।
अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू एक्स का स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम वही हम डिस्क्रिमिनेंट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी हमारे पास थ्री है, थ्री का स्क्वायर माइनस फोर। ए हमारे पास टू और सी हमारे पास सेवन। थ्री का स्क्वायर नाइन और फोर टू ज़ार एट और एट फोर टू ज़ार एट और एट सेवन ज़ार हमारे पास होता है फिफ्टी सिक्स। फिफ्टी सिक्स होता है। अब जब हम नाइन में से फोर्टी सिक्स को माइनस करते हैं ये हमारे पास माइनस फोर्टी सेवन बन जाता है आंसर। तो ये हमारे पास लेस देन ज़ीरो आ रहा आंसर। तो हमारे लिखेंगे दस इट इज़ इमेजिनरी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है ये फोर्टी सेवन माइनस में आ रहा है, ज़ीरो से कम वैल्यू आ रही है। तो हम कहें देखिए हमारे पास ये आंसर जो इमेजिनरी है। थर्ड क्वेश्चन हम एक और मैं आपको सॉल्व करा देती हूँ। थ्री एक्स का स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस थर्टीन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है। अब बी हमारे पास क्या सेवन है, सेवन का स्क्वायर माइनस फोर। ए हमारे पास थ्री है और सी हमारे पास थर्टीन है। सेवन का स्क्वायर लेते हैं फोर्टी नाइन आ जाता है। माइनस फोर थ्री का ट्वेल्व होता है और थर्टीन से मल्टीप्लाई करते हैं। फोर थ्री से ट्वेल्व और थर्टीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाता है वन फिफ्टी सिक्स। और फोर्टी नाइन जब हम इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास वन ज़ीरो सेवन। माइनस की बड़ी वाली का माइनस था, ये फिर से हमारे पास लेस देन ज़ीरो आ रहा है। तो हम कहेंगे ये हमारे पास दस इट इज़ इमेजिनरी। फिर से हमारे पास इमेजिनरी ही ये बन रहा है क्योंकि हमारे पास लेस देन ज़ीरो आ रहा है आंसर हमारे पास। तो मुझे उम्मीद है कि आप सेकंड क्वेश्चन समझ आ गए होगा। तो हम अपना थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास इक्वेशन दी और हमें कहा गया कि हमारे पास परफेक्ट स्केयर है। परफेक्ट स्केयर है मतलब ये हमारे पास बी का स्केयर माइनस फोर ए सी हमारे पास जो है ज़ीरो के इक्वल है। तो अब हमने क्या करना है इसमें, इसमें हमने केयर की वैल्यू फाइंड करनी है थ्रू डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला जो हम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ए क्या है, के का स्केयर हमारे पास ए है। बी हमारे पास टू के प्लस वन है और सी हमारे पास फोर है। तो हमने बस क्या करना है, फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी हमारे पास जो है टू के प्लस वन का स्क्वायर माइनस फोर। ए हमारे पास है के का स्क्वायर है और सी हमारे पास है फोर। अब हम फॉर्मूला खोले थे टू टू ज़ा फोर हो जाता है और इसको जब फॉर्मूला खोलेंगे ए प्लस वन का ए प्लस बी का ऑल का फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लेते हैं तो हमारे पास वन ही बनता है प्लस टू के और वन जो हमारे पास फोर फोर ज़ा सिक्सटीन और के का स्क्वायर। और मल्टीप्लाई कर लेते हैं फोर एक्स का स्क्वायर प्लस फोर प्लस एट के माइनस सिक्सटीन के का स्क्वायर। अब जब हम फोर में से सिक्सटीन को निकालते हैं तो हमारे पास ट्वेल्व रह जाता है ट्वेल्व के का स्क्वायर। ये हमारे पास के है, मुझे एक्स लग रहा था लेकिन ये के है प्लस एट के और प्लस फोर। अब हम इसमें से पहले जो कॉमन आ रहा है कुछ तो हम वो कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले हम अब यहाँ था हमने जब सॉल्व कर लिया, अब हमने जो गिवन था के जा परफेक्ट स्क्वायर हम लिखते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो मतलब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो है। और हम लिखेंगे टू के का स्क्वायर प्लस एट के प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब फोर यहाँ कॉमन आ रहा है, मैंने फोर कॉमन ले लिया। फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व होता है, थ्री के प्लस टू के प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये थ्री के का स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब थ्री वन जो थ्री हमने कुछ था एडिशन से प्रेशन करने की हमारे पास टू आए और मल्टीप्लाई करें तो थ्री आए। तो थ्री में से हम वन निकालते हैं तो टू बनता है और मल्टीप्लाई करें तो थ्री ही बनता है। तो मैंने उसका फैक्टर में बनाया था प्लस थ्री के प्लस के माइनस के। फ्रेंड्स अगर आप नोट किया तो मैंने यहाँ एक मिस्टेक कर दी। और जब मैं यहाँ सॉल्व कर रही थी तो मुझे लग रहा है मैंने कुछ मिस्टेक किया,
अब यहाँ देखिए, मैंने जब यहाँ -16 के स्केयर लिया है, यहाँ मैंने पॉजिटिव में लिख लिया क्योंकि बड़ी वाले के साथ मैंने नेगेटिव था, इस वजह से अगर मैं यहाँ नेगेटिव सारा चेंज करना पड़ेगा मुझे। अब यहाँ मैंने माइनस किया, या यहाँ माइनस आया, यहाँ माइनस आया, ये मेरे पास गलत आ गया। जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आप लाजमी ध्यान से करना होगा। जिस तरह देखिए मैं सॉल्व कर रही थी, मुझे समझ ही नहीं आया, और जब मैं यहाँ पर इसकी फैक्टराइजेशन कर रही थी तब मुझे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था। फिर मैंने जब दोबारा यहाँ देखा कि यहाँ पर तो मैंने गलती की हुई थी, यहाँ अब तो मैंने देख लिया, पेपर में मैं ना देखती तो मेरा 4 मार्क्स कट जाते। हो सकता है एग्जामिनर अगर 8 मार्क्स मिल जाता तो वो गलत हो सकता था। इस तरह आपने देखना है, लाजमी हर पॉइंट को ध्यान से करना है और सही करना है। अब हमने जो हमने पिछले जो चैप्टर से पढ़ा था कि जो डिटर्मिनेंट की जो एक्स वैल्यू होती है, जो भी होती है, वो कभी माइनस नहीं आ सकती, जो सबसे बड़ी वाली होती है। तो हमने यहाँ से माइनस ख़त्म करना है। माइनस ख़त्म के लिए हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। 3 के -2 के -1 = 0। अब ये -5 जब शिफ्ट होकर ख़त्म हो जाएगा, ये 3 का स्केयर -2 के -1 = 0। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैंने फैक्टर बनाने हैं, मैं फैक्टर बनाऊँगी 3 के 1 का स्केयर माइनस, अब 2 है और यहाँ 3 है, मैंने 3 के -1 = 0। अब देखें जब मैं इसको -3 + k करूँगी तो मेरे पास 2 आ जाएगा, -2 ही आएगा, मल्टीप्लाई करूँगी तो 3k ही बन रहा है मेरे पास 3 के 1 का स्केयर। अब मैं कॉमन लेती हूँ, यहाँ 3k मेरे पास कॉमन आ रहा है, k -1 + 1 यहाँ कॉमन लेंगे तो k -1 = 0। अब 3k + 1 और k -1 = 0। अब मैं दोनों फैक्टर को अलग अलग करके लिख लेती हूँ, 3k + 1 = 0 और k -1 = 0। अब 3k यहाँ जब हम शिफ्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, यहाँ मेरे पास साइन चेंज हो गया। अब यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उससे शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, -1/3। अब यहाँ पे ये हमारे पास ये यहाँ माइनस, जब हम उससे शिफ्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ मेरे पास +1 में आ गया मेरे पास आंसर। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी सोल्यूशन साइड, मेरे पास k = -1/3 और 1। अभी देखिए कितना ईजी क्वेश्चन था, हमने क्या करा, फॉर्मूले में बस पुट करनी है मैंने और सॉल्व करती हुई फैक्टराइजेशन की, हमें छोटी सी मिस्टेक की लेकिन हमें सॉल्व करते हुए मैंने ध्यान दिया तो मैंने सही कर लिया और मेरे पास आंसर आ गया। अब जो है हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, उससे वो सेम ही है, हमने के ही वाली फाइंड ही करनी है, वही हमने डिस्क्रिमिनेंट जो फॉर्मूला हमें पता है उसमें हमने बस पुट करना, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का वजह है, एक पार्ट में आपको करवा देती हूँ। 2k -1 (x²) + 3kx + 3 = 0। अब स्टूडेंट से देखिए, मेरे पास ये इक्वेशन गिवन है, हमारे पास इसमें भी सेम वही गिवन है कि ये इक्वेशन आर इक्वल हैं, मतलब हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 है। मैंने आपको पहले बताया था, जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो हमें गिवन होता है, या तो कहते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है या वो कह देते हैं कि इक्वेशन आर इक्वल, तो जब जो भी होगा हमने 0 लिख लेना है। अब हम ए बी और सी की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए हमारे पास क्या है, 2k - 1, बी हमारे पास है 3k और सी हमारे पास है 3। अब हम जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपको याद होगा, b² - 4ac = 0। बी की मेरे पास वैल्यू है 3k, यानी यहाँ 3k लिख लिया, 3k² - 4। ए हमारे पास होता है 2k - 1 और सी मेरे पास है 3। अब 3c² लेंगे तो 3 9 और k² 4 3 12, और अब ये 2k - 1, ये मैं नेक्स्ट स्टेप में जो है अपना सॉल्व करूँगी। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करवा लूँगी, 9k² - 12, जो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24k - 12 = 0। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे 9 भी 3 पे डिवाइड हो सकता है, 24 भी 3 पे डिवाइड हो सकता है और 12। मैं इन सब में जो है 3 कॉमन ले लूँगी, 3 मैंने कॉमन ले लिया, हमारे पास बच जाएगा 3k² - 8k + 4 = 0। अब मैं 3 उस तरफ ले जाऊँगी, 3
ठीक है, कस केयर माइनस एट के प्लस फोर वहाँ मल्टीप्लाई होता है, जब शिफ्ट करते हैं तो डिवाइड में चले जाता है मल्टीप्लाई, ये भी ज़ीरो ही आएगा क्योंकि ज़ीरो से जो भी मल्टीप्लाई करें ज़ीरो ही लास्ट पे आ जाता है हमारे पास। थ्री के का स्क्वायर माइनस एट के प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, और ये फोर थ्री ज़ीरो ट्वेल्व होता है। अब ये देखें फोर थ्री ज़ीरो ट्वेल्व होता है, अब हमने एट को इस तरह प्लस माइनस करने के प्लस माइनस करने के बाद एट ही आए और मल्टीप्लाई करें तो ट्वेल्व आए। पहले हम देख लेते हैं कि जो ट्वेल्व है किस किस फैक्टर पर बनता है। फोर थ्री ज़ीरो टू ट्वेल्व होता है, लेकिन जब इसे प्लस करते हैं तो हमारे पास सेवन होता है, एट नहीं होता। अब अगला हमारे पास किस प्रकार ट्वेल्व बनता है, जब सिक्स को टू से मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमारे पास ट्वेल्व करते हैं बनते हैं, और जब प्लस करें तो हमारे पास एट बन रहे हैं। तो मैं इसको ले लूँगी अपने फैक्टर के लिए सिक्स प्लस टू, क्योंकि ये माइनस में, तो मैं माइनस सिक्स और माइनस टू लूँगी क्योंकि वहाँ पर जो साइन होता है उसके एग्जैक्ट उसी तरह के हम इक्वेशन लेते हैं। ठीक है, कस के माइनस सिक्स के माइनस टू के प्लस फोर इजिकल टू ज़ीरो, यहाँ मेरे पास थ्री के कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन ले लिया के माइनस टू, यहाँ माइनस टू कॉमन आ रहा है, मैंने यहाँ पे के माइनस टू इजिकल टू ज़ीरो, अब मैंने दोनों को लहदा लहदा करके लिख लूँ। ठीक है, माइनस टू एक मेरे पास वैल्यू बन रही है और दूसरी के माइनस टू बन रही है, अब दोनों को लहदा लहदा करके लिख लेते हैं। थ्री के माइनस टू इजिकल टू ज़ीरो और के माइनस टू इजिकल टू ज़ीरो। अब ये माइनस तो वहाँ जाकर शिफ्ट करेंगे तो प्लस टू हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होता है यहाँ जाके डिवाइड बाय थ्री आ जाएगा। जब हम यहाँ से टू शिफ्ट करते हैं तो वहाँ चेंज हो जाएगा साइन, प्लस में चेंज हो जाएगा और टू हमारे पास आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन सेट हो जाएगा, के की वैल्यू का ये टू बाई थ्री एक आई है और एक टू, ये हमारे पास आंसर आ गया। बाकी वाले इसी तरह सेम है, हमने पास पुट करने डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूले में हमारे पास फैक्टराइजेशन करें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन वन टू थ्री फोर से समझ आ गए होंगे। अगर आपको फोर क्वेश्चन से समझ आ गए हैं तो इससे मुझे आप बता सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी बताएं, मैं आपको कमेंट सेक्शन में आपको उस प्रॉब्लम का आंसर दूंगी और आपकी प्रॉब्लम को हल करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, लेकिन मेरी इस वीडियो को जो है लाइक एंड सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा, और इसे जितना हो सके जो है शेयर कीजिए दूसरे तक, ताकि वो लोग जिन्हें नहीं समझ आए कुछ प्रॉब्लम होती है उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।